हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मूवी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक और एक्सपीरियंस वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आप लोगों के लिए क्योंकि जो कुछ नया भी ट्रेड आ रहा है, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि वाटर कैरियर में काफ़ी चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। पहले जिस तरह होता था, अब उस तरह से नहीं हो रहा है, काफ़ी डिफरेंस हो रहा है। एवरी डे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगा। तो आपको एक्सपीरियंस वीडियो ज़रूर देखना है दोस्तों, अगर अभी तक आपका ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है तो दोस्तों, अगर अभी आपने स्मार्ट मूवी चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट मूवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको आरपीएफ से संबंधित और साथ ही सरकारी नौकरी से संबंधित सभी प्रकार की जो अपडेट है वो सबसे पहले मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपका सेंटर कपूरथला या दिल्ली जो भी है, आपका जो भी सेंटर आता है, आप एक दिन पहले वहाँ पर विजिट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले आपको पहुँचना है, आपको ऑन द डेट डे जो नहीं पहुँचना है क्योंकि आपकी बॉडी जो है रिलैक्स होनी चाहिए ताकि आप जो है ट्रेड टेस्ट के लिए एकदम प्रॉपर रेडी हों। अब आ जाते हैं हम सेंटर पे पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। सबसे पहले आपको जो है लगेगा आपका एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एडमिट कार्ड अपने साथ रखिए। दूसरी चीज़ आप रखिए अपना आईडी कार्ड। जी हाँ, तीसरी चीज़ आप रखिए अपना एजुकेशन यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट या 12वीं का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो दो रख लीजिए। अब आ जाते हैं चौथी चीज़ जो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट की बात यह है कि सभी के लिए नहीं है, जो ओपन वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, तो जिनका कास्ट में है जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ये सब जो भी कास्ट में आते हैं आप लोग, इन जो कास्ट में आपने फॉर्म भरा है तो वही उन्हीं सभी को जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी सभी के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं। ओपन कैटेगरी वालों को सिर्फ तीन ही डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने एग्ज़ाम सेंटर में, जैसा कि हमारे आज जो है एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडेंट जो हमसे आज एक्सपीरियंस शेयर किया है उनके थ्रू जो भी जानकारी मिली वही अपडेट हम करने वाले हैं। कि उन्होंने कहा कि सर, हमने उसके बाद जो है एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुंच जाते हैं, वहाँ लगभग 300 से 400 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 300 से 400 स्टूडेंट्स एवरी डे जो है आ रहे हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। तो इसमें से दोस्तों, इनमें जो है 20-20 का बैच बनाया जा रहा है। आज का भी सेम इसी प्रकार हुआ कि आज भी 20-20 के बैच में जो है डिवाइड किया गया और एक रो में, जी हाँ दोस्तों, एक रो में जो है आप सभी को बैठा दिया जाएगा। फिर सेकेंड रो बनती है, फिर थर्ड रो बनती है, फिर फोर्थ रो, इसी तरह 5, 6, 7, जैसे भी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार ये रो की संख्या बढ़ती जाएगी। तो 1, 2, 3 इस प्रकार से जो आपको बैच वाइज नाम दे दिया जाता है। अब इसमें भी 20 सभी भी आपको 20 ही स्टूडेंट्स रहेंगे, लास्ट में शायद हो सकता है 14-15 हो जाए क्योंकि संख्या के हिसाब से रहती है। तो ये आपको हो गया बैच वाइज 1, 2, 3। अब 1 में बैच नंबर 1 को बुलाया जाता है, तो बैच नंबर जो 1 होता है उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं, जी हाँ, बैच 1 में जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को बुलाया जाता है और उनमें जो है ओरल लिया जाता है। सबसे मेन चीज़ जो आजकल ली जा रही है ओरल टेस्ट। अब ओरल टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है आपसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आज भी यही हुआ दोस्तों कि आज जो है वेजिटेबल्स के नाम पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, आपके सामने जो है 2-3 जो है सब्जियाँ रखी रहेंगी और उन सबका आपसे नाम पूछा जाएगा। तो आप अगर नाम बता देते हैं, जैसे कि आपको गोभी है, पत्ता गोभी है, करेला है, बैंगन है, भिंडी है, इसी प्रकार जो भी किस्म की सब्जियां होती हैं, चाहे आप घास उसमें ले लीजिए, पालक ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, चौराई ले लीजिए, इसी प्रकार के जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं या फिर खड़ी सब्जियां हैं, इसी प्रकार जो कुछ भी हैं सब्जियों में आपको नाम बताने होंगे। तो अगर आपने नाम करेक्ट बता लिया तो जाके आपको किचन के अंदर जाने दिया जाएगा, यानी जहाँ पर ट्रेड टेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहला राउंड तो आपको यही पार करना है कि आपको जो है ओरल टेस्ट पास करना है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। जी हाँ दोस्तों, ओरल टेस्ट में काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं। आज जो स्टूडेंट हमें शेयर किया उन्होंने बताया कि 80% लोग आज सिर्फ और सिर्फ ओरल टेस्ट में फेल हो गए सर, और उनको वहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ क्या पूछी जा रही है। तो एक टेबल पर आपको दोस्तों मिल जाएगा वेजिटेबल्स, इसी प्रकार देखिए जैसे टोकरी में बना रहा हूँ आपको। तो इसी प्रकार जो है 10 स्टूडेंट्स को जो है पूछा जाता है, क्योंकि 20 जन का बैच है तो 10 जन को ये पूछा गया और 10 जन को क्या पूछा जा रहा है, मसालों के नाम। जी हाँ, मसालों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो और बच्चे फेल हो रहे हैं। एक बार आप सब्जी का नाम अच्छे से याद भी कर सकते हैं लेकिन मसालों के नाम याद करना काफ़ी दिक्कत हो रही स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि आपको जो है मसालों को टच करना तो है लेकिन आप उसको टेस्ट या सूंघ नहीं सकते। तो आपको सिर्फ देख कर बताना है, छू कर बताना है कि कौन सा मसाला है, कौन सा पाउडर है। तो ये चीज़ काफ़ी दिक्कत हो रही है और लगभग समझ लीजिए काफ़ी अनपॉसिबल वाली बात जो कहते हैं हम, कि बहुत ही दिक्कत, मतलब बहुत ही रेयर लोग ही हैं जो मसालों को अच्छी तरह से बारीकी से पहचानते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी शॉप में जाइए जहाँ पे मसाले मिलते हों, उस मसाले की शॉप में जाइए और हर एक मसाले का नाम देखिए, वहाँ पर वो जो है
एक पौती डालकर या फिर आपको एक पोस्टर में लिख के वहाँ पे लगाए रहते हैं कि इस मसाले का नाम ये है, इस मसाले का नाम ये है। अगर वो भरनी में रखते हैं जैसे कि कांच की भरनी में, वहाँ पर भी वो अपना जो नाम जो है मसाले का नाम चिपका कर रखते हैं एक पेपर पर लिख के। इस प्रकार क्या होगा, आपको मसाले देख कर समझ आ जाएगा कि इसका नाम क्या है, और आप एक बार टच भी कर सकते हैं। दुकान पर आपको इतनी मनाही नहीं होगी, अगर आप थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे, एक दो मसाले खरीद भी लेंगे तो भी कुछ आपका वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इतनी अच्छी चांस मिलेगा कि अगर आपने ये ट्रेड टेस्ट पास कर लिया तो आपकी नौकरी लगभग पक्की है। तो हो गया है दोस्तों ये चीज़ें आपको कि पहले राउंड में क्या होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड राउंड यानी कि हॉल के अंदर प्रवेश। जी हाँ दोस्तों, अब आप हॉल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे जो है कॉलम में जो है एक लाइन से सब बने हुए हैं, भट्टी बनी हुई है और सभी को ट्रेनिंग जो आपका ट्रेड टेस्ट है उसकी जो ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ, ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ है कि आपको जो है बनाने के लिए कहा जाएगा। तो आज बताते हैं दोस्तों आज क्या कहा गया। आज जो है एक्सपीरियंस जिसका है ये वीडियो जिन्होंने मुझसे शेयर किया था, उन्होंने बताया कि उन्हें ऑमलेट बनाने के लिए दिया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, ऑमलेट बनाने के लिए उन्होंने कैसे फेल हो गए वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सर मैंने ऑमलेट लिया, पहले अंडा लिया, अंडे को एक बर्तन में जो है फोड़ लिया, उसके बाद उसमें नमक मिर्ची सब कुछ डाल के उसको फेंट लिया और उसके बाद जो है पेन यानी तवे पर जो है उसे डाल दिया। तो सर मैंने जो तेल की मात्रा थी वो मैंने तेल एक साइड में ही डाल दिया बीचों बीच तेल में, और उसके ऊपर से ऑमलेट डाल दिया। तो जो साइड जो जो तवा होता है जो चारों तरफ, चूँकि तवा आपको पता है गोल होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इन्होंने क्या किया कि तेल को पूरी तरह से तवे में फैलाया नहीं, और अगर आप तवे को जो तेल बीचों बीच रह जाता सिर्फ वहाँ तक तेल है, अंडा जैसे ही आप वहाँ पर डालते हो उसके ऊपर तो ठीक है, लेकिन अगर अंडा उसके ऊपर बाहर छिड़का तो वो तवे को चिपक जाता है जिसकी वजह से अंडा जो है टूट जाता है। अब ये चीज़ हो गई जिन्होंने गलती किया जिसकी वजह से उनका ऑमलेट जो गोल तो छोड़िए काफ़ी टूटा हुआ था, काफ़ी ब्रेक हो गए थे, तो इनकी वजह से इनको रिजेक्ट का सामना करना पड़ा। अब बताते हैं जो इनके साथियों के साथ हुआ, मतलब जिनका एक्सपीरियंस है उनके जो अदर बैच में जो थे 20 लोग उनके साथ क्या हुआ। उनमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने रोटी बनाया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को रोटी बनाने के लिए दिया गया और रोटी तो इन्होंने फटाफट बना लिया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है रोटियाँ बन तो बहुत अच्छी जा रही हैं लेकिन रोटियाँ हो क्या रही, मोटी हो जा रही। जी हाँ दोस्तों, मोटी अगर रोटी होने की वजह से काफ़ी लोगों को जो है सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनसे ये कहा जाए कि आपकी रोटी बहुत मोटी है, आपने रोटी ज़्यादा ही थोड़ा पतला बनाना चाहिए था और आपने बहुत ज़्यादा मोटी बना दिया। तो यही वजह है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को कैंसिल होना पड़ा। कुछ लोगों की रोटियाँ जो है फूल नहीं रही हैं, यानी कि अच्छी तरह से पक नहीं रही जिसकी वजह से फूल नहीं रही, इसलिए उनका कैंसिल हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि सब्जी के लिए क्या था आज। जी हाँ, सब्जी में क्या था आज कि सब्जी में आज आपको दिया गया था बैंगन की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, बैंगन की सब्जी अब बनाने को लिए दिया जा रहा है आपको। तो बैंगन की सब्जी आपको बनानी आनी चाहिए दोस्तों, उसमें क्या क्या मसाले लगते हैं, कितना तेल लगता है, कितना पानी डालना होगा, कैसे बनाना होगा, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पर रोज ट्रेड टेस्ट में आपको नया वीडियो हम डाल रहे हैं दोस्तों। इसलिए डाल रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि जो वीडियो एक्सपीरियंस आप देख चुके सेम टू सेम वही होगा, आपको सिर्फ ये पता चलेगा प्रोसेस। जैसे हम मैथमेटिक्स में एग्जाम देते हैं तो हमको एक पैटर्न पता चल जाता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो अंक होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से ये सीखने को मिलता है कि हमारे साथ कैसे कैसे होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे और हम किस प्रकार जो है पास कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका क्या करना है वो आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है दोस्तों, यानी कि आप कितना बेहतरीन ढंग से उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ आज सर ने लौकी की सब्जी बताया, आज सर ने ऑमलेट बताया, आज रोटी बनाया, रोटी में क्या कमी है। आप कमियों को एक पेज लीजिए, उस पर लिखिए कि जो पास हो रहे हैं उनका तो छोड़िए, जो फेल हो रहे हैं वो क्या कमी कर रहे हैं, उस चीज़ को आप लिखिए एक पेज पे और उसको आप मत दोहराइए, ऐसा आप प्रण ले लीजिए। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका जो है मॉडिफाई भी हो जाएगा कि हाँ मुझे कितनी प्रैक्टिस चाहिए कि ये सबसे कमियाँ मुझसे ना हो जो औरों से हुई। तो इसलिए दोस्तों हम ये सारी वीडियोस आपके लिए लाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीखने को मिले और समझने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आज का यही एक्सपीरियंस रहा दोस्तों कि बैंगन की सब्जी, मसालों के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, मैं आपको शॉर्ट में सब इसलिए बता रहा ताकि आपका रिकैप हो जाए। तो ये सब चीज़ें आज पूछी गई थी, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखना मिला होगा। जिनका अभी बाकी है ट्रेड टेस्ट वो अभी से ही प्रैक्टिस में लग जाइए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट दोस्तों काफ़ी टफ हो रहा है, और आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ।